अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका आपका दोस्त जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्राइस भाई। जैसा कि आपको बता मांगो कि हमारे मुझे गाड़ियों को मार्केट में लेकर जाता है, वहाँ से गाड़ियों के रेट्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं। इस वक्त मैं इधर बाहू मोटर के मेन एंट्रेंस पर मौजूद हूं। आप देखते हैं यहाँ पर मशा काफ़ी ज़्यादा में गाड़ियाँ सेफ्टी के लिए आई हुई हैं और दूर दराज के शहरों से दो सब आप भी आ गए हुए हैं। तो आज आपको ये गाड़ियाँ दिखाते हैं और क्या क्या डिमांड है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इधर ये एक टोयोटा की आइगो गाड़ी आई हुई है, इंग्लैंड की गाड़ी है। ये 2015 का मॉडल है, 19 की इम्पोर्ट, 19 की रजिस्ट्रेशन है और डिमांड जो इस गाड़ी की जा रही है तकरीबन 22,50,000 रुपया। बाकी आप इसके इंटीरियर गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। टू टोन में इसका डैशबोर्ड है जो कि रेड और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ है। मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है, क्रूज कंट्रोल है, फ्रंट के डोर जो हैं वो पावर है, ब्लैक कलर में इसकी सीट्स हैं, इंटीरियर बहुत ही आउट क्लास है, LCD इंस्टॉल है। बाकी बैक की आप सीट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन है। जस्ट आपको बम्पर्स वगैरह पे स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी टायर्स की आप कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं जो कि 80-90 हैं। अलॉय व्हील भी मौजूद है। बाकी बैक से आप इस गाड़ी की प्रोफाइल चेक कर लें, इस्लामाबाद की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है। ये बैक की आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं। बाकी आ जाए आपको इसका फ्रंट भी दिखाते हैं। फ्रंट की लाइट्स नीट एंड क्लीन है, बैक की एक लाइट इसकी जो सी है वो ब्रेक है, डोर लैचेस इसके बॉडी कलर में ही है। ये आप चेक करें पियानो ब्लैक में इसकी ग्रिल है। फ्रंट की जो सी लुक है वो बहुत ही लेवल की है और 22-50 डिमांड है जो कि फाइनल नहीं है। आपको ज़ाहिर है इसमें से मजीद जो सी कमी बेशी वो हो जाएगी। बाकी बम्पर पर आपको पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं अगर मेरा कैमरा मैन आपको ये दिखा सके। ये बैक की जो सी लाइट्स है, ये ब्रेक है, बहुत ही रेयर मॉडल है मार्केट में, आपको ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन आज इधर ये एक सेल होने के लिए आया हुआ है, लेकिन इसका मे भी ये एक इशू हो कि इसके स्पेयर पार्ट आपको इजीली मार्केट में ना मिल सके। तो अब हमारे पास इधर ये एक सुजुकी स्विफ्ट आई हुई है, लाहौर की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, ऑटोमेटिक है, वाइट कलर में है। आपको पता वाइट कलर को ज़्यादा पसंद किया जाता है बनस्बत दूसरे कलरों के। बाकी आप इसकी बॉडी की कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं, डोर की कंडीशन चेक कर लें, किसी किस्म की कोई सील वगैरह नहीं डिस्टर्ब है, चारों विंडोज पावर है, डैशबोर्ड बहुत ही आउट क्लास है। आपको गाड़ी ऐसी लुक देगी जाते किसी शोरूम से आप ब्रांड न्यू गाड़ी बाय कर रहे हैं। अभी तक कवर वगैरह तक नहीं उतरा हुआ, ऑटो ट्रांसमिशन में है। ये आपको अक्सर नीचे से इधर फेड वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, नीट एंड क्लीन है, कब्जे चेक कर सकते हैं, कोई रस्ट वगैरह नहीं है। बाकी आपको बैक से भी इसकी जो सीटें हैं वो चेक करवाते चलते हैं, डोर लैचेस इसके बॉडी कलर में ही है। बाकी ये बैक से आप चेक कर लें, आपको ये ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि कंपनी की तरफ से ही है। 16 का मॉडल है और 26,75,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जाती है। लोगों का इसके बारे में मिसकंसेप्शन है कि ये गाड़ी जो थी ना एवरेज बहुत कम देती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पाँव पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस गाड़ी को यूज़ करते हैं। बाकी आप इसके ये इंजन रूम की कंडीशन चेक कर सकते हैं, फ्रंट की स्क्रीन आपको ये इधर से ब्रेक देखने को मिलेगी, लेकिन डिमांड जो थी ये फाइनल नहीं। आपको ज़ाहिर है मोटर वाले जितना हो सके आपके साथ तावन करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास इधर ये एक 2D आई हुई है, जापानी गाड़ी है, रेयर मॉडल है, यह मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बाकी आप इंटीरियर चेक करें, 1999 का मॉडल है और 19,50,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, मैनुअल इसके डोर हैं, फैब्रिक्स में इसकी सीट्स हैं। आपको पता है फैब्रिक्स में बंदा ज़रा कंफर्टेबल फील करता है बनस्बत लेदर के, और जिस हिसाब से आजकल सर्दी पड़ रही है उस हिसाब से फैब्रिक्स की सीट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। बाकी टायर्स की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं जो कि ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील नहीं मौजूद, सिंपल व्हील कैप्स हैं। बाकी कब्जे वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई रस्ट वगैरह नहीं है, माइनर से स्क्रैचेस वगैरह हैं, बाकी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। तो अब हमारे पास इधर ये एक अल्टस आई हुई है सेल होने के लिए, 2006 का मॉडल है और 17,90,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप इसकी ये लुक वगैरह चेक कर लें, टायर की कंडीशन चेक कर सकते हैं जो कि ब्रांड न्यू अलॉय व्हील भी मौजूद है। बाकी आप डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं, टू टोन में इसकी पूछी थी जो कि बड़ी पायदार और नफीस किस्म की हैं, डैशबोर्ड इसका बहुत ही लेवल की लुक देता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज कंट्रोल पैनल इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4 विंडो पावर है। बाकी जब आप गाड़ी परचेज करने के लिए आएँ तो अपने साथ इंस्पेक्शन के लिए बंदा लाजमी लेके आएँ, ताकि वो आपको गाड़ी की खसूसियात और खामियां दोनों बताए, ताकि आपका माइंड बन सके कि आपको ये गाड़ी परचेज करनी है कि नहीं। होंगे जिसकी गाड़ी है उसने तो ज़ाहिर है आपको यही कहना कि मेरी बिल्कुल ओके है, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है। बाकी अगर आप गाड़ी परचेज करें तो
ये ना करें कि इधर अगर हमने आपको नंबर शेयर कर दिया तो आप उसे कहेंगे हमारे साथ अलग जाके डील बनाओ, उसके साथ आपको नुकसान होगा। क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर जो उनसे है ना, उनको खुद नहीं पता होता है कि वो फॉल्ट वाली गाड़ी ले आए हैं, बल्कि उनके साथ कागजों में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। एक आधी दफ़ा वो गाड़ी सेल कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि हम आप पता नहीं कितने बड़े इन्वेस्टर बन गए हैं, लेकिन उनके साथ खुद फ्रॉड हो जाता है, उन्हें पता नहीं होता। और जो उनसे आगे ले रहा होता है वो बेचारा, उसे तो खुद नहीं पता होता कि गाड़ी में क्या इशू वगैरह हैं या क्या कागजात में इशू वगैरह हैं, क्योंकि उसने तो एक दफ़ा लेनी है। ले अपने साथ मोटर वालों को लाजमी है टायर किया करें, 20 लाख की गाड़ी है तो तकरीबन 15-20 हज़ार ही उन्होंने कमीशन लेनी होती है अपनी 1%। तो उससे ये होता है कि आपके जो था ना 20-25 लाख वो आपका सेव हो जाता है। तब हमारे पास इधर एक होंडा सिविक आई हुई है, बहुत ही प्यारे कलर में है। ओरियल वेरिएंट आपको पता है, दो तरह के वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, एक आरएस और एक ओरियल, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर हमें ओरियल, जिसे यूजी के नाम से भी जाना जाता है। आल पंजाब की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है, बैक कैमरा इंस्टॉल है, बाकी बॉडी की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। बम्पर पर आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिलेंगे, डोर लैचेस इसके बॉडी कलर में ही है। बाकी आप डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, जो कि इंटीरियर टोटल ब्लैक है और सिल्वर की ये गाड़ी की लुक को चार चांद लगा रही है। मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, सैंडसर कंट्रैक्ट पैनल इंस्टॉल है। उसके ऊपर ही आपको ये हेडलाइट का बटन देखने को मिल जाएगा, जनवन स्मेलने तक मौजूद है। ब्लैक लेदर में इसकी पुशीज है और उसके ऊपर आपको ये रेड कलर में ये स्टिचिंग देखने को मिलेगी। बाकी आप इसके डोर की कंडीशन चेक कर सकते हैं, बाकी आपको डोर की ओपनिंग क्लोजिंग भी बता देगी गाड़ी किस कंडीशन में है। बाकी टायर की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 80-90 है। अलॉय व्हील भी मौजूद है, 20 का मॉडल है और 61 लाख रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है, जो कि फाइनल नहीं है। आपको ज़ाहिर है इसमें से मजीद कमी बेची वो हो जाएगी। तो अब हमारे पास इधर ये एक होंडा सिविक आई हुई है, रिबोन 2012 का मॉडल है और 26,75,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। आपको पता है एक रिबोन और रिबर्थ, रिबोन में आपको लुक ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है, लेकिन रिबर्थ में जो से ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा जो सा पसंद है रिबोन को किया जाता है लुक के लिहाज से। लेकिन इसकी माइलेज उस पर आपको ज़रा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको पता है जो लोग बड़ा दिल रखते हैं वो ही होंडा को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि शशके के साथ साथ खर्चे भी इसके वैसे ही हैं। फुल ऑप्शनल गाड़ी है, इसी वजह से इस गाड़ी की जो सी डिमांड है वो ज़्यादा की जा रही है। ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, 4 विंडो पावर है, सनरूफ इसका वर्किंग में है, सैंडसाइड कंट्रोल पैनल इंस्टॉल है, फैब्रिक्स में इसकी पुशी है जो कि ब्रांड नहीं है। बाकी आप इसका कंसोल चेक कर सकते हैं, 2-टोन में डैशबोर्ड है, किसी किस्म की कोई सील नहीं डिस्टर्ब है, हल्की बुल्की आपको बॉडी भी ज़रा फेड देखने को मिलेगी। और नंबर भी इसका जो था वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है और 2675 डिमांड है। तो अब हमारे पास इधर ये एक लैंड क्रूजर आई हुई है सेल होने के लिए, नए मॉडल को तो आजकल जो थे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल लेकर उन्हें घूम रहे हैं। तो ये एक ओल्ड मॉडल है, इधर हमारे पास आया हुआ है सेल होने के लिए, 1991 का मॉडल है और 25,75,000 रुपया गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बॉडी इसकी नीट एंड क्लीन है, ब्रांड न्यू टायर हैं, अलॉय व्हील मौजूद हैं। बाकी आप इसके डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड इसका बहुत ही क्लासिक लुक देता है, ये आप चेक कर सकते हैं। LCD इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 है, 4 विंडो पावर है। बाकी आप इसकी पुशी चेक कर सकते हैं जो कि फैब्रिक्स में है, बाकी बॉडी की आप कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। 2575 डिमांड है, बाकी बैक से आप इस गाड़ी का ओवर व्यू चेक कर सकते हैं। इस वक्त ये गाड़ी इधर बाहू मोटर पर सेल होने के लिए आई हुई है, प्राडो EX। तो अगर आपको ये गाड़ियाँ पसंद आती हैं तो आपके साथ मोटर वालों का जो सा नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उनके साथ रब्ता करके गाड़ी को मतलब जो फर्दर डिटेल है वो ले सकते हैं। तो आप हम इजाज़त दें, मिलते हैं साथ अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया।